जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस चले की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं वाउचर रिसिप्ट के बारे में, रिसिप्ट वाउचर के बारे में। और जो भी चीजें हमने जैसे कि सुपर मार्केट, अच्छा मतलब रिसिप्ट कब करेंगे पैसा किसी से, कोई कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। तो हम किसी से पैसा कब लेंगे, जब हम कोई सामान बेचे होंगे। तो अभी रिसेंटली इससे पहले हमने क्या किया था, सेल किया हुआ था, सेल किया हुआ था, पैसा लेंगे ना उससे, रिसिप्ट करेंगे, वही चीज यहाँ करना है। क्या कह रहा है सुनिएगा। एज ऑन 2 मई 2020 रिसिप्ट एन अमाउंट ऑफ 2,15,000 फ्रॉम द सुपर मार्केट मार्ट रिटेलर अगेंस्ट द पेंडिंग सेल बिल नंबर वन, यानी जो बिल नंबर वन था उसके अगेंस्ट जो पेंडिंग अमाउंट था 2,15,000 का, वो पैसा हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। एंड बिल नंबर उससे तीन से भी, बिल नंबर वन से और बिल नंबर तीन से, बिल नंबर वन से मिला है 2,02,500 रुपया और बिल नंबर तीन से मिल रहा है आपको 12,500 रुपया। और किस मोड में मिल रहा है, कैश। एक बात बताइए, ट्रांजेक्शन क्या क्या बनेगा, कि देने वाला कौन है, देने वाला क्रेडिट होगा, देने वाला कौन है, सुपरमार्केट रिटेलर है। और क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा। और कैश आता है तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यही नहीं नियम है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि कोई भी धन वस्तु या संपत्ति व्यापार में आएंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देने वाला कौन है, सुपरमार्केट रिटेलर, उसको क्रेडिट कर देंगे। और क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। चलिए इस ट्रांजेक्शन को करते हैं, ठीक है। कंपनी ओपन कर लीजिए, चलिए वाउचर में गए और F6 से रिसीव वाउचर कर, ठीक है। देने वाला क्रेडिट होगा, कौन दे रहा है हमें, सुपरमार्केट रिटेलर। कितना अमाउंट है, 2,15,000 रुपए है, 2,15,000 रुपए है। हाँ हाँ क्या, अभी लिखेगा, जब इंटर करोगे ना सब दिखाएगा। अब इंटर करेंगे जब तो यहाँ आगे सिर्फ दिखाएगा। तो ये पता, ये लेना पैसा कितना है, 2,15,000। और वहां दिया हुआ है हिंट में आपसे कि इनवाइस नंबर क्या क्या दिया हुआ है। एक है बैलेंस इसका 2,00,000, कितना है सॉरी 2,02,500 है, और एक है कितना है, 12,500 है। दोनों बिल अमाउंट यहाँ दिखा रहा है, 2,02,000, 2,12,500, दोनों को उठा लेंगे, इंटर करेंगे, पहला उठ गया, फिर अगेंस्ट डिफरेंस में जाएंगे और दूसरा उठा लेंगे, हो गया इंटर। और डेबिट किसको कर देंगे, कैश को, बस हो गया, यही करना है। 2,15,000 का मैच करा लीजिए, सही आया है, सही है, बस ऐसे मैच करा लेना। और क्या कर लेंगे इसको, एक्सेप्ट कर लेंगे ना। चलिए अब इसके बाद क्या देखना है हम लोग को, देखना है कि रिटर्न करना है एक्सपायर बैच आइटम, रिटर्न करना है। जैसे कि मान लो सर्फ एक्सेल पटाना है, बैच 50 kg है और ये 2 मई को क्या हो गया, एक्सपायर हो गया है, मान लीजिए रिगार्डिंग डेबिट नोट वाउचर में। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। जो 50 kg लास्ट में खरीदे थे हम लोग ना, 50 kg वाला, उसी को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या कर देना है, रिटर्न करना है। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए कि जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो किस वाउचर में एंट्री करते हैं, जब हम लोग पर्ची रिटर्न करते हैं तो किस वाउचर में एंट्री किया जाए, बताइए क्या, खड़े जाओ। जब हम पर्ची रिटर्न करते हैं तो किस वाउचर में एंट्री होती है, परचेज में ही होती है, ठीक है। अभिषेक परचेज में होती है, आप राज खड़े, आप बताइए परचेज रिटर्न, ऐसा वाउचर होता है परचेज रिटर्न का, आपके कोई भी वाउचर बना देंगे जो होता ही नहीं। अब बताइए क्या नाम है आपका, पिंकी, बताइए पिंकी जनरल में समझ नहीं आता, जमन बना दिया था, वाओ। सैम बताइए, सुन लीजिए, आशीष बताओ, हाँ पर्ची अकाउंट,
क्या पूछा हूं मैं कि पर्ची रिटर्न करो, सामान वापस करो, किस वाउचर में एंट्री करेंगे? पर्ची लो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है तो चुनाव जा रहा है कौन चुनाव में आपको भूल हो गए। पर्ची रिटर्न होगा तो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे, बताया गया था। और सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे, नहीं बताया गया था बेसिक वाले में? तो बता क्यों ले रहे हैं? पता नहीं कौन सा वाउचर का नाम ले रहे हैं जो है ही नहीं इस दुनिया में। बैठ जाइए। ठीक है, तो पर्ची रिटर्न करना जो सामान क्या गया है, यहाँ पर्ची रिटर्न करने बात नहीं कर रहा है, सुनिए क्या कह रहा है कि सामान जो आपने एक्सपायर्ड बेचा है, बेचा ही था ना लास्ट में, क्या सेल किए थे ना, तो उसकी एंट्री करनी है। क्या कह रहा है? इन टैली प्राइम वी आर रिकॉर्ड दैट जर्नी एक्सपायर वैसे इजी डेबिट नोट वाउचर सी डेबिट नोटिस बैच नंबर स्टॉक आइटम एक्सपायर हेंस दे रिटर्न द स्टॉक बैच 001 किसको? एचयूएल को। एचयूएल क्या है? हमारा सप्लायर है कि क्या है? कस्टमर है, सप्लायर था, अपनाए थे। देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। एचयूएल को लेंगे तो यहाँ कंट्रोल इंटर करिए, आप एंट्री किए हुए हैं, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब क्या है? सप्लायर है। तो अगर हम इसी से खरीदे हैं, जिससे खरीदे उसी को वापस करेंगे ना, तो वापस कर दीजिए, वाउचर में जाइए। और डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt F5, बताया गया था। अदर वाउचर में जाएंगे जब, तो यहाँ सारी चीजें आ जाएंगी, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर सारा आ जाएगा। अब कहाँ क्लिक करेंगे? डेबिट नोट। पार्टी का नाम क्या रहेगा जिसे खरीदे हैं वही? ठीक है, यहाँ पे इनवाइस नंबर ओरिजिनल डाल सकते हैं, जो इनवाइस नंबर से आप खरीदे थे उसी इनवाइस नंबर से वापस कर दिया जाएगा। इनवाइस नंबर कुछ दिया है तो बैच हो है, कुछ भी नहीं दिया है। चलिए ठीक है, 1 डाल दीजिए, 01 वो बैच नंबर है। और यहाँ क्या लगाएंगे? लेजर अकाउंट में क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट, हाँ परचेज रिटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न। ऑल्ट सी करिए, अल्ट सी बनाएंगे क्या? परचेज रिटर्न। अच्छा तिवारी बताओ, परचेज रिटर्न का अंडर क्या होगा? परचेज अकाउंट, वेरी गुड, परचेज अकाउंट होगा। बस इंटर। आइटम का नाम क्या रहेगा? सिम वही, सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल है, मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, यानी मैटिक फ्रंट लोड। लोकेशन क्या है? उस लोकेशन दिया हुआ है, पटना दिया है, पटना कर दिया। और बैच नंबर क्या है? 001 है। क्वांटिटी कितनी है? 50 है। और रेट क्या है? 200। और क्या करना है उसके बाद? कंट्रोल आई एल क्यों? एक सेकंड चाहिए। कंट्रोल जी वाउचर में गए, सबको से डेट चेंज कर लिया, सेकंड में ही कर लिया। और कंट्रोल आई से मोड में इनवॉइस नंबर, पर्ची इनवॉइस नंबर में 1 होगा, पर्ची नंबर 1 ले लिया हम लोग, पर्ची ये लोग का पर्चेज लेजर में, पर्चेज अकाउंट ही लिया यहाँ पे। यस, अच्छा इसको यस करना होगा F12 से। ठीक है, और नेम ऑफ आइटम ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे F12 दबा लीजिए, और यहाँ एक्सपायर्ड वाला जो चीज है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायर्ड वाला, यूज एक्सपायर्ड मैसेज स्टार्ट है, इसको क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर लिए। और दूसरी पर्ची रिटर्न हो गया, आइटम का नाम हो गया, और क्या कह रहा है? और मोर डिटेल अगर भरना है आपको, चाहे वाउचर्स की जो भी है, इनवाइस नंबर हो गया, ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो यहाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर डाल देंगे। और डेट क्या डालेंगे? 2 मई 2030, यही कहा है। कंट्रोल आई से मोर डिटेल के लिए होता है, आपको अगर पता नहीं होगा शॉर्टकट के लिख लीजिएगा, आपके नोट्स में दिया गया है। कंट्रोल आई से क्या होगा? मोर डिटेल में जाएंगे, इसमें आपका ओरिजिनल इनवाइस नंबर और डेट दिखाएगा। ठीक है, तो आपका दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद से आपको इस फीचर को इनेबल करना है, कॉन्फिगर में जाना है, यूज एक्सपायरी बेसिस वाली स्टॉक आइटम को क्या कर देना है? यस कर देना है। क्या हो जाएगा? इससे एक्टिव हो जाएगा आपका एक्सपायर बेस जो लिस्ट है, वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ये तो ऑप्शन इज नॉट सेट नो, यानी कि अगर ऑप्शन नो है
तो द एक्सपायर बैच विल नॉट गेट द लिस्टेड एक्टिव बैचेज, अगर यस अगर उसको नो किए हैं तो एक्सपायर वाला दिखेगा नहीं, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सेप्ट कर लीजिए और जब इसको यस कर लेंगे तो आपका दिखेगा, देखिए बैचेज नंबर दिखने लगे बस, और क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए बैच नंबर दिखा रहा है हम लोग में भी ना, क्योंकि हम लोगों ने डेट चेंज कर रखा है, यहाँ पे नवंबर 2019 और 30 अप्रैल 2020 छह महीने का रेशियो दिखा रहा है, हमारा भी तो वही दिखा रहा है। इंटर किया, देखिए यहाँ पे रेशियो दिखा रहा है अप्रैल 2023 अक्टूबर 2023। ठीक है, और क्या कर लेंगे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, यही करना है आप कर लेंगे ना। चलिए अब क्या कहा है सुनिएगा, सिलेक्ट एक्सपायर बैच 001 हमने सिलेक्ट किया ही था, क्वांटिटी 50 के भी ले ही लिया था, एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी था शो कर रहा था सामने, और बिल वाइज डिटेल लिया, अगेंस्ट रेफरेंस में हमने क्या लिया था इनवाइस नंबर 001 ले लिया था, और कैप्चर कितना हुआ 10,000 का हुआ था, हमारा भी आया था 10,000 का, यही सेम इंटरफेस आया था। देखिए 50 KG 50 और 200 के रेट से आप देख लीजिए, पेज अप बटन दबा लीजिए रिपीट हो जाएगा, देखिए यही तो आंसर आया था हम लोग का, देखिए यही सेम इंटरफेस में स्क्रीनशॉट लगाया गया है, देखिए सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया गया, देखिए देख रहे हैं ना हो जाएगा। चलिए अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अब कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है एक्सेप्ट कर दीजिए स्क्रीन को, वन आफ्टर द रिकॉर्डिंग द डेबिट नोट वाउचर द ट्रांजेक्शन विद इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट डालेगा क्या प्रभाव डालेगा, कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इन दिस रिपोर्ट द परचेज वैल्यू विल गेट डिक्रीज बाय द 10,000। यानी आपको एक दिन मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए लेट एज्यूम कि आपने 1,00,000 का परचेज किया, कितने लाख का 1,00,000 का, और आपने 10,000 का सामान वापस भी कर दिया, यानी परचेज रिटर्न भी कर दिया, कितने का 10,000 का, यानी अगर शाम को आपसे हम डिटेल लें कि आप कितने का परचेज किए हैं तो आप क्या बताएंगे, 1,00,000 या कुछ कम बताएंगे, तो आपसे 1,00,000 खड़े जाएंगे खड़े, तो जैसे मान लीजिए 1,00,000 का सामान खरीदा आपने आज और 10,000 का वापस भी कर दिए, तो शाम को जब मैं आपसे डिटेल लूंगा तो अगर बात कीजिए परचेज तो एक्चुअल कितना परचेज हुआ है 90,000 भाई, तो रिटर्न नहीं हो गया है, एक्चुअल में कितना हुआ 90 ही हो गया, समझ में आ गई बात ना, वही बात यहाँ कहा है, पढ़े पढ़ाई नहीं करते आप लोग, सब पढ़ाए गए ट्रेडिंग अकाउंट परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न आया था ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए कह रहा है बैलेंस शीट में क्या है, इन दिस रिपोर्ट द करेंट लायबिलिटी स्टैंडर्ड डेट वैल्यू गेट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम होना, क्या होता है कम होना, यानी कम हो जाता है आपकी जो लायबिलिटी है 10,000 रुपए क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अरे भाई आपके ऊपर दायित्व तो था कि आप किसी से सामान खरीदे तो 1,00,000 रुपया पेमेंट करें और 10,000 का वापस कर दिए, अब कितना पेमेंट करेंगे उसको 90,000, तो 1,00,000 का जो दायित्व तो था वो कम होकर 90,000 बन जाएगा ना, तो आपका क्या बैलेंस शीट पे लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा 10,000 रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम होना, वही बात यहाँ कहा गया है, समझ में आ रही बात ना, मेरी बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक बात समझिए, आप कोई सामान खरीदे 1,00,000 का, पैसा नहीं दिया है ना, पैसा नहीं दिया ना, तो आपका दायित्व तो क्या बनता है सामान खरीदे पैसा देंगे, लेकिन सडनली कुछ कारणवश आपने 10,000 का सामान वापस कर दिया तो अब आपका दायित्व तो कितने का बन रहा है 1,00,000 का 90,000 का, समझ आ गई बात ना, रिड्यूस हुआ ना कमी हुई ना, यही बात था इस लाइन कि रिड्यूस हुआ है 10,000 रुपये, करेंट एसेट्स हैव वैल्यू गेट रिड्यूस्ड, और क्यों क्यों कह रहा है एसेट्स की बात क्यों कर रहा है, सामान खरीद रहे हैं तो संपत्ति की बात होगी, इसीलिए एसेट साइज रिड्यूस होगा, किस साइज से होगा एसेट साइज रिड्यूस होगा। कह रहा है लेट अस चेक द स्टॉक वाउचर रिपोर्ट इन टेलीप्राइम, क्या करना है वही अल्ट जी करना है, गो टू और क्या सर्च करना है स्टॉक वाउचर, क्या सर्च करना है स्टॉक वाउचर, और क्या सर्च करना है उसके अंतर्गत सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोडर, चलिए हम लोग भी कर रहे थे आके बाहर गेटवे आप टैली पे, और यहाँ क्या कर दिया अल्ट जी दबा दिया, और क्या सर्च करना है स्टॉक, क्या लिखा था स्टॉक वाउचर था, आइटम कहाँ है भाई स्टॉक वाउचर लिखा हुआ है,
नहीं यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो लिख दे क्या, स्टॉक समरी होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक वाउचर है, स्टॉक वाउचर है, क्लिक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे किसका देखना है हमें, सब एक्सेल का ना। देखिए जूम कर दो, बिल्कुल बैलेंस मैच कर रहा है, देख लीजिए। हाँ अरे ठीक है, फिर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, दूसरे भी दिखाना पड़ेगा ना। देख लीजिए -50 4 दिख रहे हैं, 5 हमारे, 5 40 40 हमारे भी दिख रहे हैं, एक डेबिट है, डेबिट मैच करेगा ना, तो बस यही करना चाहिए क्लास में। तो यहां तक कर लेंगे आपको, कहां तक, ये डेबिट और वाउचर, और चेक कर लेंगे, कहां जाएंगे, अल्ट जी में स्टॉक वाउचर सर्च कर लेंगे और वहां से आप मैच करा लेंगे। सबका अमाउंट इतना आना चाहिए जितना वैल्यू दिखा रही है प्रेजेंट में। ठीक है, आप यहां तक पढ़े थे, ये वाला पढ़ चुके हैं, क्यों लेट आए, तो दिक्कत है, हो जाएगा ना। थैंक यू क्लास।